नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रिस सॉफ्टटेक की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या सी प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ है, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ एल्स थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, देन क्या होगा, उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो वो जो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है इफ़ कंडीशन के ट्रू होने पर, उसके अंदर एक और इफ एल्स होता है। तो अगर हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो हमारी दूसरी इफ़ की कंडीशन आ गई। अगर ये इफ दूसरी इफ़ की कंडीशन भी ट्रू है तो उस केस में आपका ट्रू वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ़ वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उस कंडीशन के फॉल्स होने की कंडीशन में क्या होगा, आपका एल्स स्टेटमेंट या फिर एल्स कोड ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। और अगर हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो हमारा एल्स स्टेटमेंट या फिर एल्स का कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है समझने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको इसका सिंटैक्स रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले इफ़ कंडीशन नंबर वन, अगर हमारी कंडीशन नंबर वन ट्रू है तो इफ़ के कोड ब्लॉक के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं इफ़ कंडीशन नंबर टू, यानी कि पहली कंडीशन भी ट्रू है तो उसके अंदर वाले कोड ब्लॉक में आया और वहाँ पर लिख रहा है इफ़ कंडीशन नंबर टू, अगर ये ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारी कंडीशन नंबर टू फॉल्स है तो उस केस में हमारा स्टेटमेंट नंबर टू एग्जीक्यूट होगा। और जो हमारी कंडीशन नंबर वन है, अगर वो ही आपकी फॉल्स है तो क्या होगा, जो नीचे स्टेटमेंट नंबर थ्री है वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अच्छे क्लियरेंस के लिए मैं आपको इसका फ्लो चार्ट भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं एंट्री हो रही है कंडीशन नंबर वन, अगर कंडीशन नंबर टू है तो कंडीशन नंबर टू पर पहुंचेगा, कंडीशन नंबर फॉल्स है तो हमारा कंडीशन नंबर फॉल्स का जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट नंबर थ्री है, वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम बात करते हैं कंडीशन नंबर वन के ट्रू होने की, तो यहाँ पर फिर से आप एक कंडीशन देख सकते हैं, तो यहाँ पर वही इफ एल्स जैसा है, अगर कंडीशन नंबर टू हमारी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट नंबर वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट नंबर टू एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट नेस्टेड इफ एल्स का। तो इसके बहुत अच्छे से समझ आए आपको, एक एक चीज़ क्लियर हो, इसके लिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं थ्री नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए अपने को सबसे पहले लिखना होगा हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। इस तरह से दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड कराने के बाद हम वहाँ पर मेन फंक्शन अप्लाई करते हैं, void main लिखते हैं, और void main लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। मैंने यहाँ पर रियल टाइप के डिक्लेयर करे हैं, आप देख सकते हैं डबल n1, n2, n3। उसके बाद यूज़र से तीन वैल्यू ले लेते हैं नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री के लिए, ठीक है, जिससे कि हम इनको आपस में कंपेयर करा सकें। और कंपेयर कराने के लिए हमको क्या लिखना होगा, कंडीशंस लिखनी होंगी, और कंडीशंस किस तरह से अप्लाई करेंगे वो कंडीशंस मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ स्कैनएफ में मैंने LF यूज़ किया, यानी कि लॉन्ग फ्लोट, दैट मीन डबल, जो कि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो लिखा है मैंने इफ़ n1 इज़ बड़ा है या बराबर है n2 से, यदि हमारा पहला वाला नंबर जो भी एंटर्ड है वो बड़ा है या बराबर है n2 से, तो उसके बाद मैं दूसरी कंडीशन चेक कर रहा हूँ इसी के साथ, क्या पहला वाला नंबर तीसरे नंबर से भी बड़ा है। अगर हमारा पहला नंबर दूसरे नंबर से भी बड़ा है और पहला नंबर बड़ा है तीसरे नंबर से, दैट मीन जो लार्जेस्ट नंबर है वो है n1, ठीक है, और पहला नंबर दूसरे नंबर से तो बड़ा है बट पहला नंबर तीसरे नंबर से बड़ा नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो लार्जेस्ट नंबर है हमारा वो लार्जेस्ट नंबर है तीसरा वाला, यानी कि n3। और अगर हमारी ये पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, यानी कि जो हमारा पहला वाला नंबर है वो पहला वाला नंबर है दूसरे नंबर से छोटा, तो हम वहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक कराते हैं, क्या दूसरा नंबर तीसरे नंबर से बड़ा है, क्योंकि पहला नंबर तो छोटा है ही, तो दूसरा नंबर अगर तीसरे नंबर से बड़ा है तो दूसरा नंबर लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया n2, और अगर ये बात नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा n3। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम में समझ सकते हैं कि कैसे हमने यूज़ किया है
नेस्टेड इफ्स को और पता करा है लार्जेस्ट नंबर। तो इसको जल्दी से कंपाइल और रन करा कर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए मैं यहाँ पर कंपाइल कराता हूँ, कोई भी गलती नहीं है, और रन कराता हूँ, और रन कराने के बाद ये रन हो चुका है। तो यहाँ पर तीन नंबर इनपुट के लिए बोल रहा है। पहला नंबर मैंने दे दिया 35.4, दूसरा नंबर मैंने दे दिया 34.7, और तीसरा नंबर मैंने दे दिया 34.9। ठीक है, तीन नंबर मैंने इनपुट दिए हैं, तीनों क्या नाम है फ्लोट नंबर है पॉइंट डेसिमल वाले, और इसने बता दिया 35.4 इज़ लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को देखा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप इस पर हिट लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि आप लेटेस्ट अपडेट को देख सकें। किसी भी डाउट होने की कंडीशन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यस गाइज, अगर आपको हमारे इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल के नोट्स चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से नोट्स भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक एकदम बढ़िया से समझ आए। सो फ्रेंड्स, ये मैं था जी कृष्णा चौहान। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।